शास्त्रार्थ तो छोड़िए साहब, आज जिस तरीके से लोगों के अंदर मानसिकता बनाई जा रही है कि देश के शासक को देश के ऊपर लाकर के खड़ा कर दिया गया है, और जब आप सरकार की आलोचना करते हैं मतलब आप देश की आलोचना करते हैं, इस तरीके की मानसिकता लोगों के बीच में डाल दी गई है। एक सवाल देखिए कि 30 बरस हो गया अभी तक पढ़ रहा है, हम बोले इसीलिए तो पढ़ करके लड़ रहे हैं कि 30 बरस के तुम हो गए हो और तुम अगर अभी PhD कर रहे होते तो PhD कर रहे होते, तुमको अभी धक्का नहीं खाना पड़ता। PhD करने में 30 साल लगता है, और जो सब्सिडी का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है, उस देश की जनता का पैसा है, और देश के लोग ही उस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ते हैं। तीसरी बात कि ठीक है भाई PhD किए तो किए, किताब काहे लिख दिए? तो किताब इसलिए लिख दिए कि सवाल खड़ा करना है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं अभी, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रेडिकल होकर के बोलने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के नौजवान सीमा पे जाकर के जान देते हैं, उससे हम सुरक्षित बैठ करके यहाँ गुफ्तगु कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश का किसान भी अगर खेत में नहीं जाएगा और अनाज नहीं पैदा करेगा तो क्या आप गुफ्तगु कर पाएंगे? किसी भी एक प्रोफेशन को करने वाले, उनकी जो ड्यूटी है उसको दूसरे प्रोफेशन के करने वाले और उसकी ड्यूटी के अगेंस्ट में खड़ा नहीं करना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि गाड़ी में जितना ज़रूरी स्टेयरिंग है उतना ही ज़रूरी हॉर्न भी है, उतना ही ज़रूरी ब्रेक भी है, लुकिंग ग्लास भी है, सीट भी है। सोसाइटी जो है वो अलग अलग कंपोनेंट से जुड़ करके उसका स्ट्रक्चर बनता है, और सवाल पलट करके करना है कि बहुत बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, वाह वाह, सीधे तो जा नहीं सकते हैं, तूफान है, 283 का दम्भ है, 56 इंच का सीना है, सीधे तो आपको चूर चूर कर दिया जाएगा। तो आप उनसे ये पूछिए, उनसे आप कहिए कि मुझे ये बताइए कि हनुमंतप्पा को सैल्यूट करते हुए आदर और सत्कार के साथ मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप हर साल रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाते हैं, एवलॉन्च प्रूफ टेंट क्यों नहीं था? अगर हमारे पास एवलॉन्च प्रूफ टेंट होता तो हनुमंतप्पा को शहीद होने की जरूरत नहीं होती, वो जिंदा होता, उसकी बीवी जो है वो बेवा नहीं होती, वो उसका बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होता। पर आपके सवाल ऐसे पूछने में ही आप देशद्रोही हो जाते हैं। देखिए अब इस पे भी वही बात है कि आप अगर अपने देश के लिए नहीं लड़ेंगे तो पता नहीं वो आपके देश का कितना टुकड़ा करेंगे। दुनिया का इतिहास बताता है जब भी नेशनलिज्म की हवा बढ़ी बही है और उस नेशन के कॉन्सेप्ट से जनता को बाहर करके, तब तब देश टूटा है। ओटोमन साम्राज्य, प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी, इटली, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके बाद सब कुछ करके जब देख लिए, केन्स साहब का इस्तेमाल कर लिए, वेलफेयर स्टेट बना लिए, तथाकथित जो समाजवादी राष्ट्र थे उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए, नव उदारवाद में कहा कि अब सब कुछ बल्ले बल्ले है, दिल मांगे मोर, उसकी भी हालत आज सामने आ गई है। एक सिंपल सा डेटा है, गणित जोड़ करके देखने की बात है। सरकार ने कहा, सरकार ने नहीं, चुनाव प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री के जी के द्वारा कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकारी आंकड़ा कहता है, JNU वालों ने नहीं निकाला है, कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुए। अभी नोटबंदी के चलते 4 लाख एम्प्लॉय चला गया, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। आप मुझे बताइए कि टोटल ग्रोथ कितना हुआ? 4 लाख में से जो है 135 घटा देते हैं, उतना का नुकसान हो गया फिर से। तो ये जो दिक्कत है, इस दिक्कत को आपको बोलना पड़ेगा। और उनके जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है जिसमें वो एकल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बेसिकली एकल हिंदू राष्ट्र क्या होगा कि दलित दलित बना रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहेगा, उसके बीच में जो है बेटी रोटी का संबंध बनेगा ही नहीं। और जब हमारे बीच में सेंस ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, सोते हुए दलितों की अगर हत्या कर दी जाएगी बिहार के अंदर, तो हमारा बिहार, गौरवशाली बिहार, ये कैसे हो पाएगा? लोगों के अंदर सेंस ऑफ एसोसिएशन जब तक पैदा नहीं होता है, नेशन बिल्डिंग नहीं होता है। और सेंस ऑफ एसोसिएशन को पैदा करने के लिए जो इक्वलिटी का आइडिया है, जो जस्टिस का आइडिया है, जिसकी तो बात क्यों इंतजार कर रहे हैं कि ये होगा? मैं समझता हूँ इसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट किसी की देन नहीं है। आज अगर कुछ हद तक जो पिछड़े हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो ट्राइबल्स हैं, अगर उनको कुछ हद तक भी आवाज़ मिली है, थ्रू देयर स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट मिली है, किसी से भिक्षा नहीं मांगने की ज़रूरत पड़नी चाहिए।
जी, और वो लड़ाई अभी लड़नी बाकी है, ये तो मानते हैं। देखिए इंतजार तो हमको जनता के सवालों का है, वैसे इंतजार के पक्ष में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है। जब आप अपना डीपी बदलते हैं, जब आप अपना कोई मैसेज लिखते हैं सरकार के पक्ष में या खिलाफ में, तब भी आप एक राजनीतिक पोजीशन ले रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग पॉलिटिकल हैं, और जब सब कुछ राजनीति से तय हो रही है, लोग अपनी राजनीति तय कर रहे हैं। रही बात बदलाव की, हमने कहा कि इस तरीके के क्रश, वो जो कहते हैं ना एक करिश्मेटिक सत्ता की, हम लोग पढ़ाई पढ़ते थे पॉलिटिकल साइंस में, ये नेपोटिज्म का ज़माना जाना चाहिए, ये जो डायनेस्टी चलती है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। लोग तय करें कि हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है और डेमोक्रेटिकली उसको रिजॉल्व करें। बेसिकली उनको आइडिया ऑफ जस्टिस और इक्वलिटी को मिस नहीं करना चाहिए। न्याय संगत विकास। अब कुछ सवाल लेते हैं जी। लेट मी फर्स्ट लेट अ लेडी आस्क द क्वेश्चन। इज देयर अ हैंड अप ऑफ अ लेडी? सर आपने भी बात कही हमारी सोसाइटी में इनडिफरेंसेस हैं। से पूछ रहे हैं किनसे? आपसे सर। अच्छा, कन्हैया जी से। हाँ, आपने बात कही हमारी सोसाइटी में इनडिफरेंसेस हैं, दलित है, बहुत से पिछड़े वर्ग भी हैं। एक मुद्दा है, शायद आपने बात नहीं की अभी तक, या मैं उस पर आपका विचार जानना चाहूंगा कि हमारे देश में रिजर्वेशन SC के लिए, ST के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यूथ में अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 19 साल का हूँ, हमारे बीच में काफ़ी बातें ये हैं कि अगर रिजर्वेशन होना चाहिए बहुत सही बात है, लेकिन जाति पे क्यों, किसी के सरनेम पर क्यों रिजर्वेशन है? सर अगर रिजर्वेशन देना चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशंस पर, कि उसने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा नंबर लाया है, या रिजर्वेशन होना चाहिए कि उसके घर वाले या उसका सोशल बैकग्राउंड इतना सक्षम है या नहीं है। आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप पूरे देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक चेहरा बन चुके हैं। अगर स्टूडेंट कोई भी यूनियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर कोई देख रहा है तो वो आपका एक चेहरा देख रहा है, तो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? एक क्वेश्चन और है, मुंबई यूनिवर्सिटी दो काफी है। प्लीज सर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। मुंबई में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक तरीके से बंद है, तो इसके लिए क्या आप कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि आपका मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना बहुत जरूरी है, तो आप इसके लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो वो सवाल। थैंक यू। देखिए आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, पता नहीं जवाब अच्छा लगेगा कि नहीं। देखिए एक बात तो समझिए, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से दिए गए रिजर्वेशन के अलावे इस देश में कोई अप्रत्यक्ष रिजर्वेशन काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले इसको समझिए। मसलन चलिए कल सर्वे करेंगे आपके साथ, ये जितना भी नाली साफ करने का काम करते हैं ना, उसमें खोज के बताइएगा मुझे कि कौन जाति के कितने लोग हैं। और दूसरा, मंदिर का जो पुजारी होता है ना, उसका भी एक कास्ट एनालिसिस करेंगे और पूछेंगे कि उसमें किस जाति के कितने लोग हैं। और तीसरा, थर्ड फॉर्म में आपको बताता हूँ कि आप में और हम में ऐसी कौन सी कमी है, और माननीय अंबानी जी के सुपुत्र में ऐसा कौन सा गुण है कि वो पैदा होते ही अरबपति होते हैं और हम जो है तरसते रहते हैं दो जून रोटी के लिए भी। क्या ये कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये लगेगा कि रिजर्वेशन दरअसल सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी इनइक्वलिटी है ना, उसको ख़त्म करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई और इनइक्वलिटी सोसाइटी में पैदा करना है। लेकिन पैदा कैसे हो जाता है? पैदा इसलिए हो जाता है कि जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिला है उसको पॉइंट आउट करके हम बताते हैं कि देखो इसको रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है। चलिए इस आंकड़े पर भी बात कर लेंगे। हम पूछते हैं कि जब इस देश के अंदर मात्र 2% जॉब जो है वो सरकारी संस्थानों में है, 98% जॉब जो है वो प्राइवेट संस्थानों में है, और प्राइवेट संस्थानों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मुझे बताइए कि रिजर्वेशन से इनइक्वलिटी कैसे आ रही है। रही बात कि कास्ट के आधार पे क्यों, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जो दिया गया वो इकोनॉमिक आधार पर नहीं दिया गया, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया। कारण क्या था कि मान लीजिए कि मैं दलित हूँ और मैं IAS बन गया हूँ, हमारे दफ्तर में जब आएंगे कोई साहब जो दलित नहीं है, वो वहाँ प्रणाम तो उनको करना पड़ेगा,
लेकिन निकलते निकलते जाति सूचक गाली देकर के जाएंगे। क्या आज भी बेटी रोटी के संबंध जिसकी मैं बात कर रहा था वो फ्रीक्वेंसली समाज के अंदर बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या हमको ये जो ऑनर किलिंग होता है, कुछ लोगों की किताब बैन कर दी जाती है, कुछ लोग जो खास जाति से आते हैं उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, तो जो हम एक इक्वल सोसाइटी बनाने की बात करते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे? हमको लगता है, मैं समझता हूँ कि एक जो लाइन खींची हुई है ना, जिसमें डायनेस्टी से लोग जो है अरबपति पैदा होते हैं, लीडर पैदा होते हैं, उनके पास एक बैकग्राउंड होता है, बहुत धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसी समाज का है, उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाएंगे? तो एक जो लाइन खींची हुई है ना, उस लाइन के बराबर जो है एक बड़ी लाइन खींचेंगे, ये रिजर्वेशन की कोशिश थी। मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना कि आपके हाथ में कोई जख्म है, और वो जख्म आज का नहीं है, पिछले 5000 सालों का जख्म है वो, और उस जख्म को ठीक करने की बजाय आप कह रहे हैं कि हाथ काट करके ही फेंक देंगे। पूरी दुनिया में घूम करके देख लीजिए, अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन अलग अलग फॉर्म में दिए जाते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। सपाल ये है, मैं अफ्रीका के ऊपर काम कर रहा हूँ, नेल्सन मंडेला जब जेल से छूट करके आए तो उन्होंने एक थ्योरी दिया ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन का, जिसमें जो गोरे लोग थे उनको कहा कि कोर्ट में आइए, एक्सेप्ट कीजिए, सोसाइटी में मिल करके रहते हैं, साथ रहते हैं। मतलब बाबर की गलती का बदला जुम्मन मियाँ से नहीं लिया जाएगा, मेरे बाप दादा ने दलितों के साथ क्या किया इस आधार पर ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बार बार भीमराव अम्बेडकर बोलते थे, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो उस मानसिकता के खिलाफ है। और उस मानसिकता के चलते ये हुआ है, आप उत्तर प्रदेश जाकर के देखिए, जाटव जो है वो नॉन जाटव में शादी नहीं करते हैं, जबकि वो दोनों दलित हैं। तो ये जो मानसिकता है हायरार्की वाली, जो आपको हमसे अलग करता है, उस मानसिकता पे चोट करने की जरूरत है। और जब तक आप कोई मेटरलिस्टिक चेंज नहीं लाएंगे सोसाइटी के अंदर, तो ये सिर्फ आदर्शवादी कामना करने से ये समाज में लागू नहीं होता है। आज एफर्मेटिव एक्शन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में गए, एकेडमिक्स में आए, और उन्होंने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, और वो जो एसर्शन है उस एसर्शन के चलते ही आज हम ऐसे माहौल में रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि आप राजनीति में आएंगे कि क्या करेंगे, मैं समझता हूँ कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे साथ राजनीति शुरू हो गई थी। देश ने के अंदर जो सरकार थी उस वक्त, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के आधार पे हर गर्भवती महिला को पोलियो का टीका नहीं लगाई होती तो हो सकता है कि मैं पोलियो ग्रस्त पैदा होता। तो आपका पैदा होने से पहले ही आपके साथ राजनीति शुरू कर लेती है, ये आपके ऊपर है कि कब आप निर्भर करते हैं कि आप सेंटर ऑफ द स्टेज हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको उसी मार्जिनलाइजेशन के खिलाफ सेंटर ऑफ द स्टेज बनने की ज़रूरत है। और राजनीति का ये कतई मतलब नहीं है कि जाइए किसी पार्टी में शामिल हो जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए और जम करके जो है लूट खसोट करके अपना धंधा सेट कर लीजिए, ये राजनीति नहीं है। राजनीति सिद्धांत के आधार पे, विचारधारा के आधार पे, समाज को बेहतर बनाने के लिए। तीसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़रूरी है, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। इस देश के अंदर अभी जितना लीडर है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे उसका रंग कुछ भी हो, सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पैदा हुआ है। लेकिन उसको अगर आप कहेंगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करना चाहिए तो कहेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्या ज़रूरी है राजनीति में जाने की। तो आपको पूछिएगा कि आपके दफ्तर में भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है, भगत सिंह भी किसी कॉलेज के टॉपर थे, लेकिन देश के अंदर जो समस्याएं थी उसके ऊपर वो लड़ते भी थे और नौजवानों को संगठित भी करते थे, तो कहेगा तुम तो राजनीति कर रहे हो। हम कहते हैं कि जब समाज की बेहतरी के लिए राजनीति करना ज़रूरी है, और आप जो डायनेस्टी करेंगे कि मैंने नेताजी का बेटा नेता होगा, कलेक्टर साहब का बेटा कलेक्टर होगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होगा, ये जो परिस्थिति पैदा की गई है, देखिए दोनों काम है, दोनों प्रोफेशन है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता और नेताजी का बेटा नेता होना चाहता है, ये जो चलता आ रहा है, इसमें अगर इंटरवीन करना है तो नव तरुण, जिसको कहते हैं ना, नए नेताओं को खड़ा करना ज़रूरी है, जो कि पीपल्स का वॉइस हो, जो जिसका वॉइस डेमोक्रेटिक हो और एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन को वो रिप्रेजेंट करता हो। इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पहले सरकारों ने बंद किया, चुनाव बंद कर दिया, क्या कह करके कि हिंसा होती है। साहब, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जितनी हिंसा होती है उससे ज़्यादा हिंसा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के इलेक्शन में होती है। शराब बांटी जाती है, सब कुछ किया जाता है, ये आपका शैडो है,
कि आपकी बीमारी है जो विद्यार्थियों के बीच में भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब कोई इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट नहीं होता है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ उसकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए भीड़ इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं, वो उनके साथ चमचागिरी करके खुद भी सांसद बन जाना चाहते हैं, तब वो राजनीति को उस तरफ ले जाते हैं जो बदलाव की नहीं होती है, जो एस्टेब्लिशमेंट के पक्ष में चली जाती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है। याद कीजिए हिंदुस्तान के अंदर छात्र राजनीति के इतिहास को, सती प्रथा के खिलाफ अगर सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो विद्यार्थी खड़ा हुआ, विधवा विवाह के पक्ष में अगर कोई खड़ा हुआ तो विद्यार्थी खड़ा हुआ, और अंग्रेजों से लड़ने को लेकर के भी अगली कतार में जो सबसे पहले किताब कॉपी छोड़ करके गांधी जी के साथ और भगत सिंह के साथ जो शामिल हुए वो विद्यार्थी थे। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी को इस लेगेसी को आगे ले जाने की ज़रूरत है, और बेशक हर एक जगह बोलना चाहिए कि मैं एक सिटीजन हूँ और राइट टू यूनियनाइज हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम अपना यूनियन चुनेंगे क्योंकि हमारा यूनियन हमारी ताकत होगी और हम मैनेजमेंट को झुका करके विद्यार्थियों के पक्ष में जो है नीति बनवाएंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स आ गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसके आप खिलाफ है? नहीं, ये इसको थोड़ा समझना है। होता क्या है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है वो अलग अलग विंग बना लेती है, जैसे महिला विंग, मजदूरों का विंग, किसानों का विंग, अलग अलग विंग बना लेगी, और उनको पूछिएगा कि साहब महिला रिजर्वेशन होना चाहिए, तो नेताजी बहुत जोर जोर से बोलेंगे एकदम 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, और वो मंच होगा महिला फेडरेशन का। और जब आप अगला सवाल उनसे पूछेंगे तो आपके पॉलित ब्यूरो में 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं शामिल हुआ है, आप जो टिकट बांटते हैं उसमें 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते हैं, पार्लियामेंट से पहले आप अपनी पार्टी में 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। तो ये जो उनका दोहरा व्यवहार है कि वो कहेंगे कि हम मदर ऑर्गेनाइजेशन है और ये तमाम जो मास ऑर्गेनाइजेशन है, ये मास ऑर्गेनाइजेशन हमारी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं, आप देखिए कितना मज़ेदार है कि कांग्रेस सरकार में थी UPA 2 के वक्त, और इंटक जो है वो हड़ताल पे थी, रोड पे उतरी हुई थी। अभी BJP सरकार में है और BMS भारतीय मजदूर संघ वो स्ट्राइक का कॉल देता है, फिर स्ट्राइक के कॉल को वापस ले लेता है जो हड़ताल सितंबर में हुआ था। कहने का मतलब ये है कि मास मूवमेंट इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उससे इंडिपेंडेंटली सोसाइटी के अंदर होते रहना जरूरी है, अदरवाइज जो सिविल सोसाइटी का काम है, जो प्रेशर ग्रुप का काम है, वो प्रेशर ग्रुप खत्म हो जाएगा, और डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं है, तो डेमोक्रेसी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती है, और वो डेमोक्रेसी कभी भी ऑथोरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी होता है हम किस मतलब जो भी चीजें आप कह रहे हैं, तो आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज विश्वविद्यालय की पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ने हस्तक्षेप कर दिया है, और जो स्टूडेंट्स विंग्स भी हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की विंग्स हैं। पर इसको अब हम इस वक्त यहाँ ही छोड़ते हैं, आप एक नई मुहिम इन सबसे अलग शुरू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है।